Hello students, welcome back to our YouTube channel Alisha Maths Classes. So today I am going to start chapter number 7, exercise 7.3 from question number 17. In our previous video I have discussed from question number 9 to 16. So those students who have any problem in this exercise, in the previous question, they can just click in the I link. The description is given in the I link. You can just click over there to see the solution of the previous question of this exercise. So moving on to this question number 17, that is integration of sin cube x plus cos cube x upon sin square x into cos square x. तो यहाँ पे हमारा इस टाइप का फंक्शन है. डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है sin square x और cos square x क्या है मल्टीप्लीकेशन में. तो मतलब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स के नीचे sin square x cos square x ले लेंगे. ध्यान से देखिए, है बहुत ही इजी, बस वही है सारा काम. इसमें टेक्निक का है कि आपने जो स्टार्टिंग में टेक्निक लगाई है, जो स्टेप लगाया है, जो प्रोसीजर अप्लाई किया है, उससे आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए. तो देखिए, ऐसा करने से मेरा यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक साइन एक्स बचेगा और नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको मैं लिख सकती हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स. और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट हो जाएगा, एक कॉस एक्स बच जाएगा हमारा न्यूमरेटर में, एंड इन द डिनोमिनेटर वी विल गेट साइन स्क्वायर एक्स विच कैन बी रिटन एक्स साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स. आई होप आपकी क्लियर हो गया होगा. तो नेक्स्ट स्टेप में साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन एक्स, और वन बाय कॉस क्या होता है सिकेन एक्स. तो ऑटोमेटिकली देख के बच्चों को हिंट आ गए होंगे, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स, और वन अपॉन साइन होता है कोसिकेंट एक्स. तो ये तो अभी क्वेश्चन बिल्कुल सिंप्लीफाई हो चुका है. ये किसका डेरिवेटिव होता है सिकेन एक्स का, तो इट मीन्स इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सिकेन एक्स, सिंपल सा है. और ये किसका डेरिवेटिव होता है कोसिकेंट एक्स का, लेकिन कोसिकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना वो इसका नेगेटिव होता है. कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, तो ये प्लस में है तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कोसिकेंट एक्स, तो आ जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी. बहुत ही सिंपल, प्लीज नोट डाउन. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है फंक्शन कॉस टू एक्स, और कॉस टू एक्स के पास हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं, वन इज इन द फॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एंड वन इज इन द फॉर्म ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स. सो वी हैव टू जस्ट थिंक अबाउट दैट वेदर वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ साइन स्क्वायर एक्स और वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स. सो जस्ट कंसिडर द न्यूमरेटर, यू कैन जस्ट सी हेयर दैट वी आर हैविंग टू साइन स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ साइन, एंड द फॉर्मूला ऑफ कॉस टू एक्स इन द फॉर्म ऑफ साइन इज वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स. तो बहुत ही ईजी है, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला बस पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा. तो कॉस टू एक्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. तो ये तो एक ही लाइन का क्वेश्चन है, ये कैंसिल हो जाएगा. वन अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये फाइनल आंसर आ चुका है. सिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स प्लस सी. सो ये हमारा आ चुका है आंसर, प्लीज नोट डाउन. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूर एक्स डी एक्स. यहाँ पे ध्यान से देखिए, फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों ही नीचे पड़े हुए हैं, तो हमें कुछ और ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी. तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें कोशिश करनी है कि हम इसको टेन एक्स में चेंज कर दें. तो देखिए, सोचिए यहाँ पे टेन एक्स कब आएगा, जब साइन के नीचे कॉस आ जाए. क्लियर है, साइन के नीचे कॉस आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा टेन एक्स. तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड करेंगे कॉस एक्स से. सो ध्यान से देखिए, वन अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स. क्लियर, नेक्स्ट स्टेप में ये वाले कॉस से आपने ये वाले कॉस को कैंसिल नहीं करना, क्योंकि अगर कैंसिल कर दोगे तो हमारा जो टारगेट था टेन एक्स का वो तो अचीव ही नहीं हो पाएगा. तो ये वन बाय कॉस बन जाएगा सिकेन एक्स, और ये वाला वन बाय कॉस क्यूब एक्स क्या बन जाएगा सिकेन क्यूब एक्स. तो अब समझ आ गया कि मैंने क्या करा है,
सेकेंड में चेंज कर दिया, इसको वन अपॉन कॉस हो गया सेकेंड एक्स और वन बाय कॉस क्यूब एक्स हो गया सेकेंड क्यूब एक्स। क्लियर है? अब मुझे तो इतना पता है कि टेन एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है और यहाँ पे सेकेंड एक्स इंटू सेकेंड क्यूब एक्स हो जाएगा सेकेंड रेस्ट पा फोर एक्स। तो सेकेंड रेस्ट पा फोर एक्स को पहले मैं दो पार्ट में ब्रेक करूँगी, सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर है कि एक तो टेन एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा, लेकिन एक सेकेंड स्क्वायर एक्स बच जाएगा, उसका क्या करेंगे? देखिए उसको भी फिर आपको 10 की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ताकि एक जगह फंक्शन रहे और एक जगह उसका डेरिवेटिव रहे। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। सेकेंड स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, एक को तो फंक्शन की फॉर्म में ले आए हैं और बाद में यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव निकाल के रख लिया है सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अभी देख सकते हैं हम यहाँ पे सिर्फ टेन एक्स की वैल्यू को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, टी। सो लेट अस टेक, लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, सो दैट मीन्स सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये मेरा पड़ा हुआ है सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 प्लस पुटिंग द वैल्यू ऑफ 10x इज इक्वल टू t, दैट मीन्स वी विल गेट टी स्क्वायर एंड सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन द वैल्यू ऑफ 10x इज t। अब इसको बस स्प्लिट करना है अलग अलग, तो आ जाएगा 1 बाय टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन टी डी टी। तो ये मेरा हो जाएगा 1 बाय टी डी टी प्लस टी स्क्वायर से एक फैक्टर टी कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा टी डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन करना सबको आता है, 1 बाय टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग टी, और टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी स्क्वायर बाय टू प्लस सी। फाइनली बस आपने यहाँ पे टी की वैल्यू को रिप्लेस करना है, तो ये टी की वैल्यू को रिप्लेस करना नहीं भूलना आपने, क्योंकि फंक्शन था एक्स की फॉर्म में तो आंसर भी एक्स की फॉर्म में चाहिए। तो टी की वैल्यू हमने सपोज की थी 10x, तो इसका आंसर आ चुका है log 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, प्लीज नोट डाउन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो cos 2x है, डेफिनेटली हम हर एक क्वेश्चन में यही कर रहे हैं, cos 2x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, बट वही आपको सोचना ये है कि cos 2x की वैल्यू को क्या पुट करना है, क्योंकि हमारे पास जो cos 2x का फॉर्मूला होता है वो cos की फॉर्म में भी होता है, sin की फॉर्म में भी होता है, और एक फॉर्मूला होता है cos और sin दोनों की फॉर्म में। तो ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में cos और sin दोनों हैं, तो हम यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में जो न्यूमरेटर है उसमें ध्यान से देखिए, ये फॉर्म बन चुकी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन कॉज एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो देख सकते हैं एक फैक्टर से एक फैक्टर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ऊपर क्या बचेगा? कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे हमारा एक फैक्टर कैंसिल हो चुका है, तो एक कॉज एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? एज इट इज़ रह जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज़ द फंक्शन एंड दिस इज़ द डेरिवेटिव। तो जनरली हम नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में होता है उसी को ही हम फंक्शन कंसीडर करते हैं, ताकि ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाए हमारे पास। तो कॉज का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन, सॉरी डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज। डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। कॉज हमारा पॉजिटिव है, इसको आगे लिख लीजिए, और साइन नेगेटिव है, इसको हम पीछे लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट ये बिल्कुल उसी फॉर्म में दिखेगी, एग्जैक्ट फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो देख सकते हैं कॉज एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई है डी टी, और ये पूरा है टी, तो डी टी अपॉन टी बन जाएगा लॉग टी, और आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा डी टी अपॉन टी।
डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी। तो इसका आंसर आ जाएगा लॉग टी प्लस सी। तो लॉग यहाँ पे टी की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, टी क्या है कॉज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। सो ये हमारा आ चुका आंसर है, प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 साइन इनवर्स कॉज एक्स, ये देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन इससे इजी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो देखते हैं, साइन इनवर्स है तो अंदर हमें डेफिनेटली साइन की फॉर्म में लाना है। तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं आप साइन 90 माइनस थीटा, तो बस ये तो बहुत ही ईजी है। साइन वर्सेज साइन हमारा कैंसिल, पाई बाय टू एक कॉन्स्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका हो जाएगा डी एक्स का, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है, इसको वन मान लेंगे तो आ जाएगा पाई बाय टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। सो दिस इज द आंसर, प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉज एक्स माइनस ए इंटू कॉज एक्स माइनस वी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन है, जब यहाँ पे कॉज यहाँ साइन आता है, दोनों जगह साइन आता है या दोनों जगह कॉज है, तो इनके लिए कुछ ट्रिक्स हैं तो वो थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे जैसे आप समझेंगे यहाँ पे दोनों जगह कॉज है तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपका हैश डाल रही हूँ मैं पॉइंट टू रिमेम्बर, क्योंकि पता ही है कोई ना फंक्शन है ना डेरिवेटिव है, तो थोड़ा सा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉज है तो हम साइन वाले से करेंगे, मतलब अपोजिट लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन ए माइनस बी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इनिशियली कुछ आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके आपको समझ आ जाएगा फर्दर कि ये क्या हो रहा है। तो ये तो एक स्केलर है, स्केलर मतलब कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है, तो मैंने वही जैसे मैं टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करती हूँ वैसे ही मैंने साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, क्योंकि यहाँ मेरा एंगल अलग अलग है ना, तो मैंने ये एंगल बनाने के लिए क्या करना है, अंदर ए माइनस बी है इसमें एक्स इंट्रोड्यूस करने के लिए एक एक्स ऐड करेंगे और एक एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये फिर से हैश डाल दो, इस पॉइंट में भी हमारा ये पॉइंट जो है आपको ध्यान रखने वाला है। तो इसमें इंटीग्रेशन में काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इन स्टेप्स को कैसे फॉलो आउट करना है अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब मुझे एंगल इस फॉर्म में बना लेने हैं। पहला एंगल है मेरा x माइनस ए और दूसरा है x माइनस बी। अगर मैं x देखूं तो यहाँ पे x माइनस बी तो ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, इन दोनों का अगर मैं पेयरिंग बना दूं तो x माइनस बी आ रहा है और माइनस ऑफ x प्लस ए है, मुझे तो x पॉजिटिव चाहिए, तो इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लूँगी तो अंदर बचेगा माइनस एक्स माइनस ए, क्योंकि ए मेरा पॉजिटिव था ना, नेगेटिव कॉमन ले लिया तो ए नेगेटिव हो गया और एक्स नेगेटिव था तो एक्स क्या हो गया पॉजिटिव, रिवर्स हो गए। तो ये आ गया, तो अभी देख सकते हैं कुछ हमारा एंगल आ गया इस टाइप का। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने यूज करना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी फॉर्म का दिख रहा है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अगेन 11th क्लास चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 सारे फॉर्मूलाज आप पढ़ के आए हो 11th क्लास में। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो बस ये हमारा ए है और ये मेरा बी है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। तो ये हमारा आ चुका है
इसमें ध्यान से देखेंगे, अब हमें अब थोड़ा सा बच्चों को पता चल गया होगा, ऐसा करने से क्या हुआ है, जो डिनोमिनेटर में जिस फॉर्म में एंगल्स पड़े थे हमारा न्यूमरेटर में भी उसी फॉर्म में आ चुका है। तो अब आपने इसको सेपरेट करना है, यहाँ पे देख लीजिए न्यूमरेटर के नीचे डिनोमिनेटर, जब हम सेपरेट करेंगे इसको तो क्या होगा, कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट टर्म में, क्या बचेगा साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी। तो हम इसको लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया है, क्या बचेगा साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म के नीचे जब आप ये डिनोमिनेटर में ये लेके आएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो एक कॉमन फैक्टर है कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए। तो ये आ चुका हमारा इस फॉर्म में। तो सारे स्टूडेंट्स को पता है कि हमारा नेक्स्ट फॉर्म साइन अपॉन कॉस हो गया है, ये हमारा 10 बन जाएगा, और 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस लॉग कॉस एक्स। अगर इन केस आपको फॉर्मूला नहीं पता, सपोज आप एग्जाम में भूल गए कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ध्यान से देखिए तो ये वो वाली फॉर्म आ चुकी है, नीचे फंक्शन है और ऊपर डेरिवेटिव पड़ा दोनों साइड पे। अगर आपको नहीं पता तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद आ रहा तो आप उसको वहां से भी कर सकते हैं, कॉस एक्स माइनस बी को टी ले लीजिए तो वहां पे उसका ये डी एक्स आ जाएगा ऊपर सेम एज इट इज, इस तरह से इसको नया वेरिएबल वाई मान लीजिए, ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई, डी वाई अपॉन वाई होता है लॉग वाई, तो लॉग कॉस एक्स माइनस बी आ जाएगा, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस में होता है तो माइनस लॉग कॉस एक्स आ जाएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन हमारा इतना बड़ा हो चुका है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा 10x माइनस बी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x माइनस ए डी एक्स। अब कुछ भी नहीं है, आप सबको पता है कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, तो माइनस लॉग कॉस एक्स की वैल्यू क्या है एक्स माइनस बी। ध्यान से देखना यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट हमारा वन ही है, माइनस इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे साइन ए माइनस बी, ये आ जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यह आ जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस ए माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी। तो फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और ये आंसर आ चुका है साइन ए माइनस बी, ये जो है फॉर्म बन गए लॉग एम माइनस लॉग एन। तो जहां तक सिंप्लीफाई होता है हम वहां तक करेंगे, लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम बाय एन, तो लॉग एम है एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए और एन है कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। तो ये मेरा जो है ये फाइनल आंसर आ चुका है, यहां से मैं लाइन डाल देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा स्टेप था। तो यहां से हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सो दिस इज बेसिकली एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ वन मार्क ओनली, सो फटाफट से करते हैं इसको सॉल्यूशन। तो पहले तो आपको दिख ही रहा है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सेम फॉर्म में है तो बेटर है इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ऐसा करने से हमारा साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बन जाएगा सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो बहुत ही सिंपल है, सिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x और कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स, क्योंकि कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, तो इसलिए कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा 10x ए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉट एक्स प्लस सी। तो देख सकते हैं हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, प्लीज नोट डाउन।
सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पार एक्स 1+x अपॉन कॉस स्क्वायर ई रेस्ट पार एक्स इंटू एक्स. इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो आपको डेफिनेटली मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब भी आपको थीटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे वही आपको आंसर दे देगा. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा यानी कि ई रेस्ट पार एक्स इंटू एक्स को क्या सपोज कर लेंगे, टी. अब क्योंकि ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल. तो फर्स्ट केस में ई रेस्ट पार एक्स का डेरिवेटिव करेंगे जो कि ई रेस्ट पार एक्स होता है. तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो ये हो जाएगा एक्स ई रेस्ट टू पार एक्स प्लस ई रेस्ट टू पार एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो दोनों में से ई रेस्ट टू पार एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा एक्स प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. ध्यान से देख सकते हैं ये आपका पूरा का पूरा क्या है, न्यूमरेटर है. तो न्यूमरेटर में आ जाएगा डी टी और नीचे हमारा ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर टी, क्योंकि इसकी वैल्यू को टी पुट करा है. और कॉस स्क्वायर टी क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर टी डी टी. और सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप बहुत बार कर चुके हैं, क्या होता है, टेन टी प्लस सी. तो फाइनली आप टी की वैल्यू को पुट कर देंगे, टी आपने क्या सपोज किया था, ई रेस्ट पर एक्स इंटू एक्स प्लस सी. तो ध्यान से देख लीजिए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी. सो दिस इज अ करेक्ट आंसर, प्लीज नोट डाउन. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 7.3. आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल्सो. अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट्स ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद मी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अलीशा मैथ्स क्लासेस.